सो गाइस, आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि अगर आपका NPCI प्लस डीबीटी लिंक अगर कोई दूसरा बैंक अकाउंट है और आप अपने पुराने बैंक अकाउंट को चेंज करना चाहते हैं, जैसे कि मेरे केस में यहां पर आधार सीडिंग है, एक्टिव है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, और यहां पर मैं इस बैंक अकाउंट को चेंज करना चाहता हूँ, इसके जगह पर कोई दूसरा बैंक अकाउंट लिंक करना चाहता हूँ, ठीक है। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि टोटल ऑनलाइन प्रोसेस है, आप लोगों को किसी भी बैंक में जाने की जरूरत नहीं है इस प्रोसेस के लिए, और आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ, आप लोग अपने मोबाइल से ही घर बैठे दूसरा बैंक अकाउंट चेंज कर सकते हैं। तो यहां पर देख सकते हैं कई सारे ऐसे केस आते हैं, जैसे कि मेरे केस में अभी मेरा SBI का जो अकाउंट है मेरे घर से काफी दूर है और मेरे नजदीक में जो बैंक है उसे मैं यहां पर ऐड करना चाहता हूं, ठीक है। तो सिंपली यहां पर देख सकते हैं कि SBI मेरा यहां पर जो है कि चालू है और मैं इसे दूसरे बैंक को मतलब कि मैं ऐड करना चाहता हूं, इसलिए मुझे क्या प्रोसीजर अपनाना पड़ेगा, उसके लिए आप लोग जिस बैंक अकाउंट को लिंक करना चाहते हैं सबसे पहले सेलेक्ट कीजिए कि आप किस बैंक अकाउंट को ऐड करना चाहते हैं। जैसे कि मैं अपने केस में यहां पर मैं इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक को यहां पर लिंक करना चाहता हूं। अगर आप पंजाब नेशनल बैंक या बैंक ऑफ बड़ौदा को भी अगर लिंक करना चाहते हैं तो आप लोगों को इसके बारे में भी बताऊंगा, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। जैसे कि मैं यहां पर जो है कि इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक को यहां पर SBI के जगह पर जो है कि पोस्ट ऑफिस को यहां पर लिंक करना चाहता हूं, तो उसके लिए देखिए आपके पास होना चाहिए इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का मोबाइल बैंकिंग। अगर आप जो है पंजाब नेशनल बैंक को या बैंक ऑफ बड़ौदा को ऐड करना चाहते हैं, चेंज करना चाहते हैं, तो इसके बारे में भी आप लोग बताऊंगा, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। इसके बाद आप यहां पर देखेंगे ये डैशबोर्ड है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का मोबाइल बैंकिंग का। देखिए अगर आपके पास PNB1 रहेगा, BOB1 रहेगा, उससे भी आप अकाउंट को ऐड जो है कि चेंज कर सकते हैं। इसके बाद नीचे स्क्रॉल करेंगे, इसके बाद यहां पर सर्विस ऑप्शन दिया जाएगा, सिंपली सर्विस पर क्लिक करेंगे। जैसे सर्विस पर क्लिक करेंगे तो यहां पर आधार सीडिंग लिखा हुआ है, तो सिंपली आधार सीडिंग पर क्लिक करेंगे। जैसे आधार सीडिंग पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहां पर आधार सीडिंग आ जाएगा जिसमें सीडिंग स्टेटस फेलोअर है, तो यहां पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपके पास यहां पर दो ऑप्शन आएगा जिसमें देख सकते हैं यहां पर आधार नंबर नो लिखा हुआ है, डीबीटी मैपिंग में लिखा हुआ है एग्री टू रिसीव डीबीटी इन IPPB अकाउंट एंड वेरीफाई एग्जिस्टिंग IIN विद NPCI। इसके बाद लिखा हुआ है चेंज डीबीटी मैपिंग टू IPPB अकाउंट टू वेरीफाई एग्जिस्टिंग IIN विद NPCI, ठीक है। तो यहाँ पर जो है कि आप किसी एक को क्लिक करके यहाँ से वेरीफाई करेंगे, तो अगर आप लोग जो है कि चेंज करना चाहते हैं डीबीटी मैपिंग को तो यहाँ पर क्लिक करेंगे, अगर एग्री करना चाहते हैं जो है रिसीव करने के लिए तो यहाँ पर क्लिक करेंगे। तो मैं यहाँ पर सिंपली चेंज पर क्लिक करता हूँ, कन्फर्म पर क्लिक करेंगे, लेकिन यहाँ पर सबसे पहले आप लोगों को जो है कि वेरीफाई करना होगा। वेरीफाई करने पर आप लोगों के मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा, OTP को सिंपली यहाँ पर फिलअप करना होगा, तो OTP यहाँ पर आ चुका है, ठीक है। तो OTP को यहाँ पर दे देते हैं, आप लोग वीडियो को पूरा देखेगा स्टेप बाय स्टेप, ओके पर क्लिक करेंगे। इसके बाद ये वेरीफाइड हो गया है SBI, ठीक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। लेकिन यहाँ पर मैं जो है कि एग्री करना चाहता हूँ रिसीव DBT इन IPPB अकाउंट, ठीक है। तो यहाँ पर जो है कि मैं क्लिक करूँगा, ठीक है, इसलिए मैं यहाँ से कैंसिल करता हूँ, ठीक। तो इस पर क्लिक करके वेरीफाई पर क्लिक करूँगा क्योंकि मुझे इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में मुझे जो है कि जो भी मेरा सब्सिडी वगैरह आएगा वो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में चाहिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पर सिंपली OTP फिर से फिलअप कर देता हूँ, ठीक है, इसके बाद ये वेरीफाई हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखा हुआ यू हैव ऑलरेडी योर DBT मैप्ड टू स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, डू यू वांट टू चेंज टू दिस टू IPPB। तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि आपका जो इंडिया पोस्ट जो आपका DBT लिंक है उसमें SBI लिंक है, आप उसे इंडिया पोस्ट उससे लिंक करना चाहते हैं, तो यस पर क्लिक करेंगे। मैं चेंज करना चाहता हूँ, ये वेरीफाई हो गया, इसके बाद सिंपली कन्फर्म पर क्लिक करेंगे, ठीक। तो कन्फर्म पर जैसे क्लिक करेंगे तो एक OTP दोबारा से आएगा आपके मोबाइल नंबर पर, आपका रेफरेंस नंबर भी शो कर देगा। तो यहाँ पर जो है कि OTP को दोबारा से फिल कर लेते हैं, 22 15 34, इसके बाद सबमिट पर क्लिक करेंगे, लेकिन यहाँ पर OTP शायद से गलत हो गया। इसके बाद सबमिट पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि रिक्वेस्ट फॉर आधार सीडिंग सक्सेसफुली इनिशिएटेड फॉर अकाउंट नंबर ये बैंक सेल इंटीमेट वंस आधार सीडिंग इज फाइनली प्रोसेस्ड, ठीक है। तो आप यहां पर देख सकते हैं कि यहां पर मेरा जो आधार लिंकिंग का जो प्रोसेस था वो बैंक अकाउंट चेंज हो चुका है। यहां पर थोड़ा सा टाइम लगेगा ये अपडेट होने में, करीबन जो है कि अधिक से अधिक 1 हफ्ते 7 दिन का समय लगता है, नहीं तो 2 दिन 3 दिन में भी हो जाता है। तो आप लोग इस तरीके से अपना बैंक अकाउंट चेंज कर सकते हैं। तो ये रहा इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का। लेकिन अगर आपका जो है अकाउंट किसी दूसरे बैंक में है, और वैसे आप यहां पर देख सकते हैं कि OTP भी आ चुका है, OTP भी आप यहां पर देख सकते हैं, ये रिक्वेस्ट फॉर आधार सीडिंग टू इतना इतना हैज बीन इनिशिएटेड, वी विल रिसीव फाइनल स्टेटस फॉर
रिक्वेस्ट विद इन टू टू थ्री डेज, यानी कि 2 से 3 दिन के अंदर में मेरा जो बैंक अकाउंट है वो सीड हो जाएगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के जगह पर। ठीक, तो यहाँ पर भी आप लोगों को अब बताता हूँ कि अगर आपका जो है कि अगर आप पंजाब नेशनल बैंक को या BOB बैंक ऑफ बड़ौदा को अगर आप लिंक करना चाहते हैं, और अब देखिए अगर बात करते हैं कि अगर आप बैंक ऑफ बड़ौदा को चेंज करना चाहते हैं SBI की जगह पर, ठीक है, तो सिंपली आप लोगों को बैंक ऑफ बड़ौदा का BOB वर्ड एप्लीकेशन इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद सिंपली रिक्वेस्ट सर्विसेज पर क्लिक करेंगे, इसके बाद नीचे स्क्रॉल करेंगे, इसके बाद आधार अपडेट का यहाँ पर ऑप्शन आप लोग को शो हो जाएगा, इस पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर अपना अकाउंट नंबर डालेंगे, आधार नंबर डालेंगे, कंफर्म आधार नंबर डालेंगे, इसके बाद कंसेंट पर क्लिक करेंगे, जनरेट OTP पर क्लिक कर देंगे तो OTP आ जाएगा। लेकिन सीडिंग टाइप में आप लोग को यहाँ पर देखिए सेलेक्ट करना होगा, पहले में लिखा हुआ ऑथेंटिकेट माई आधार विद UDAI एंड लिंक माई आधार टू माई अकाउंट फॉर AIPS ट्रांजेक्शन पर्पज ओनली। ठीक है, सेकंड में लिखा हुआ ऑथेंटिकेट माई आधार विद UDAI एंड लिंक माई आधार टू अकाउंट टू बोथ DBT एंड AIPS ट्रांजेक्शन पर्पज। ठीक है, तो आप लोग को सेकंड पर क्लिक करना है DBT चालू करने के लिए, साथ में मतलब NPCI प्लस आधार से लिंक करने के लिए। ठीक है, इसके बाद OTP के माध्यम से आप भी यहां पर बैंक ऑफ बड़ौदा को भी लिंक कर सकते हैं, इसी तरीके से PNB1 के माध्यम से पंजाब नेशनल बैंक अकाउंट को भी ऐड कर सकते हैं। तो आई होप कि आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से हेल्प मिला होगा कि कैसे आप NPCI प्लस DBT लिंक करेंगे, चेंज कैसे करेंगे दूसरे बैंक अकाउंट को बिना बैंक जाएं। तो मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में एक नए अपडेट के साथ।